हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। वैसे भी एक मूवी मार्केट में बहुत हल्ला मचा रही थी, बहुत कंट्रोवर्सी लेके चल रही है, जहाँ सुनने में ये आ रहा था कि भाई साहब लोगों के ना सेंटिमेंट्स हट हो रहे हैं। तो ऐसा मैंने खुद जैसे न तैसे इस मूवी को ढूंढ कर देखा है और ये सरासर बेफजूल की बातें थी जो ये सेंटिमेंट्स हट वगैरह की जो बातें चल रही है। वैसा वैसा कुछ भी उसका मोटिव नहीं था जिससे किसी भी लोगों की या फिर किसी भी धर्म की भावनाओं का उत्पीड़न हो या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करा गया हो, बल्कि जो मैसेज इस मूवी ने दिया है भाई वो शायद कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। एक ऐसा मैसेज जो आज के जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो आज की जो सत्ता चल रही है या कुछ भी जो पावर चल रही है उसके मुँह में सीधा तमाचा है, उन अंधभक्तों के मुंह में भी सीधा तमाचा है जो बिना सोचे समझे खुद की आस्था, खुद का जो पूरा समर्पण ऐसे लोगों के नाम करना चाहते हैं या कर देते हैं जो उन्हीं का फ़ायदा उठा रहा होता है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें भाई इस मूवी में बहुत प्यारी तरीके से दिखा रखी। ये जो कुछ गुरु थे जो अपने श्रद्धालुओं के साथ संबंध बनाते थे, सेक्स संबंध, और उनका शोषण किया करते थे, भाई साहब 1862 की ये कहानी दिखाई गई है जो बहुत प्यारी है, जो आज के समय पर लोग इसके लिए आवाज़ उठाने पर डरते हैं वो आवाज़ भाई 1862 और 1850 के दौर पर उठाई गई थी। करसन दास की एक ये जर्नलिस्ट की कहानी दिखाई गई है जहाँ पर एक महाराज के जरिए उन्हें मतलब भगवान का अंश माना जाता था और खुद को ऐसे भगवान ट्रीट करवाते थे वो अपने श्रद्धालुओं से। यानी अगर मैं थोड़ा खुल के बताऊँ तो मूवी में कहानी ये दिखाई गई है जो महाराज का करेक्टर जो उस समय के उस दौर के महाराज हुआ करते थे वो अपने श्रद्धालुओं से अपनी सेवा करवाया करते थे और एक चरण सेवा जो उस समय चला करती थी वो प्रथा सालों साल से उसमें होता ये था कि लड़कियों के साथ औरतों के साथ वो महाराज सेक्स कराया करते थे और वो खुद उनके जो घर के मर्द हैं या फिर उनके जो पिताजी हैं वो खुद उस महाराज के वहाँ पर अपनी लड़की को पहुँचा के आया करते थे। और ये चीज़ उनके लिए गलत नहीं हुआ करती थी, उनके लिए वरदान हुआ करती थी, उनके लिए भक्ति का भाव हुआ करता था कि हम उस लायक हैं कि हम अपने महाराज को ये सेवा दे पा रहे हैं। और लोग इस चीज़ को देखते भी थे, खुद घर के लोग देखते थे, बाहर के लोग देखते थे और इसको बहुत ही प्योर वर्ड प्योर प्रथा दिखाई जाती थी। तो ये सब सीधा सीधा मूवी का मैसेज यही था जो मुझे बहुत प्यारा लगा। पूरी मूवी में एक यही चीज़ बहुत प्यारी लगी जो मुझे जोड़ के भी रखी शुरू से लेकर लास्ट तक, कि जो धर्म के नाम पर जो ये गुरु हैं या फिर कोई भी ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो अपनी आस्था पूरे सच्चे मन से सच्चे भक्ति भाव से पूरा देना चाहते तो हैं, क्योंकि एक बार के लिए वो चीज़ इतनी हावी हो जाती है उनके ऊपर कि उन्हें सही गलत नहीं दिखता उनके भक्तों को। लेकिन ये चीज़ ये जो सही गलत है अपने गुरुओं को तो दिख रहा है, लेकिन वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया करते थे। भाई 1862 का दौर दिखाया गया है जहाँ पर लोग एक्टिव हो चुके थे, जो समझ में आने लग गया था कुछ एक लोगों को कि भाई साहब धर्म के नाम पर कैसे लोगों का शोषण किया जा रहा है, उस समय पर जहाँ पर बहुत धर्म हावी हुआ करता था, जो मूवी में ही खुद आपको देखने को मिल जाएगा, कोई अपने घर की औरतों को महाराज के घर पर छोड़ के आ रहे हैं, उनके साथ वो संबंध बना रहे हैं और वो चीज़ खुलेआम सबको पता है ये गलत है, लेकिन उससे गलत को भी वो महाराज सही बता रहे हैं। और समझ सकते किस हद तक का ब्रेन वॉशिंग उस समय तक था। बाकी अगर बात करें स्क्रीन टाइट स्क्रीन प्ले की डायरेक्शन की तो भाई उतना मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, बीच बीच में बोर भी करके जाएगी। मैं खुद एक आध जगह मूवी को पढ़ाकर देखी है, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज है वो दमदार है। बाकी बात करें कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस की तो भाई साहब जयदीप अहलावत एज महाराज जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है वही दमदार है। जो जर्नलिस्ट करसन दास का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो खुद आमिर खान के सुपुत्र हैं। जुनैद खान जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, सरवरी का कैरेक्टर दमदार लगा थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा भी मस्त नहीं लगा, वो और भी दमदार हो सकते थे। बाकी मूवी वन टाइम वॉचेबल है, कुछ नहीं है तो जाके जरूर देख सकते हो। बाकी इस मूवी की राइटिंग के जरिए, इसकी स्टोरी के जरिए सोशली बहुत से बड़े बड़े सबक भी दिए गए हैं, लाइक पर्दा प्रथा को कैसे तमाचा मारा गया है। मैं महाराज मूवी को भाई जो हिसाब का इसने मैसेज दिया है उसके बेस पर 5 out of 5 stars देना चाहूंगा। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।